हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, यदि आप फ्यूरी फायर खेलते हैं तो इस तरह के वीडियो आप बनाना आपके लिए बहुत आसान है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस व्यूज आ सकता है। ये वीडियो देख सकते हैं 12 से 13 घंटा हुआ है और इस वीडियो में 2 मिलियंस व्यूज क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंस व्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आपको देखना है यहाँ पर हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने वीडियो देख सकते हैं यहाँ से शूट करना स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। लास्ट पॉइंट पे आना है और आपको देखना है लास्ट में वीडियो हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके बाद लास्ट पॉइंट को एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। सॉरी, मैं ट्रिम टू लेफ्ट हो गया, मैं ट्रिम टू इसे राइट करना है। तो इसे हम एक बार बैक कर लेते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो मैं आपको वीडियो को प्ले करता हूँ किस तरह से वीडियो शूट करना है। तो सिंपल 4 से 5 सेकंड तक कुछ इस तरह से खड़ा रहना है। इसके बाद एक पंच मारना, कुछ इस तरह से जंप मारना है, हाथ को रोकना है, कुछ इस तरह से आपको एक्टिंग कर लेना है। इसके बाद 2 बार गन शूट करना है, कुछ इस तरह से आपको वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका, उसी साउंड पर आपको वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं और सिंपल आपको करना क्या वो देखना ध्यान से। स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। सबसे पहले मैंने एक लोगो मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखा हो। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इसे आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है, ध्यान रखना है। क्रॉप करने के बाद डन करेंगे, इस इमेज को सिंपल आपको कुछ ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके बाद इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट में आएंगे, आना है लेयर पे, आना है मीडिया पे, आना है डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। एक इमेज का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लेस सेलेक्ट कर लेना है। इस इमेज को भी आपको फुल स्क्रीन में फिलहाल में कर देना है। इस इमेज पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिंग का, रिंग के सेलेक्ट करेंगे। इस इमेज को कितने सेकंड तक रखना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक लेकर आता हूँ। जैसे कि आप पंच मारते हैं ना, पंच से आपने कुछ 1 से 2 सेकेंड तक पहले यहाँ तक रखना है। इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्पीड टू प्ले इट कर देते हैं। फिर से सेकेंड इमेज पर क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन आना है जो मैंने रिंग किया था, इसे हम फिर नॉन कर देते हैं। सिंपल, जब वीडियो हम प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर अचानक से रुक जाता है, यहाँ पर पंच मारते हैं, जैसे कि देखना है आपको कहाँ पर पंच मार रहे हैं। जहाँ पर पंच मारते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से जूम कर सही से एडजस्ट आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि देख सकते पंच मारा, ये हट जाना चाहिए, साइड होना चाहिए। इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इसे हम स्पीड टू प्ले इट करेंगे। इस इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ हैंड के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे क्रॉप पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ हैंड जो ऊपर जो सर है, सर को कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन करना है। इस इमेज को कहाँ तक रखना है मैं बताता हूँ, जैसे कि हम हाथ जहाँ तक रख रखे हैं वहीं तक का चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं, ठीक है। इस पोजिशन में आना है, इस पोजीशन में आना है, जैसे कि देखते हैं लास्ट का जो हम इमेज हमने सेट किए थे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से सेम इमेज को हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से शेप सेलेक्ट करना है। फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे, सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया हूँ, ब्लेंडिंग पे आना है और इसे हमें मल्टीप्लेस सेलेक्ट करना था, मल्टीप्लेस सेलेक्ट कर लिया हूँ। कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है। इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको जो क्रॉप का शेप से सेलेक्ट करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको ऊपर से, इस बार ऊपर से आप नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉप कर देना है। इस समय सर सिर्फ दिखना चाहिए, क्रॉप कर दिया हूँ। इमेज पे क्लिक करेंगे, इस इमेज को आपको कहाँ तक रखना है बता रहा हूँ। इमेज पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट में आ जाना है, बस यहीं तक आपको इमेज को रखना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करेंगे। इसके बाद सर वाले इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है की पे, की पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसे हम नीचे करता हूँ, की पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट में आना है और इसे आपको कुछ इस तरह से
अर्जेस्ट आपको बाहर की तरफ कर देना है। ठीक है, अब देख सकते हैं आपका जब वीडियो प्ले करेंगे तो जैसे लगेगा सर से आप काट के कुछ इस तरह से फेंके हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो शूट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिर से दिखाना है, दो बार गन शूट करते थे यहाँ पे, एक इमेज का लिंक और दे चुका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे हमें मल्टीप्ले पे सेलेक्ट कर लेना है। इमेज पे क्लिक करेंगे, रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह से आपको लगा देना है। जैसे कि लग रहा है गन शूट कर रहा है तो कट रहा है सर। ठीक है, इसके बाद एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पे आपको फेर दे देना है, इसे आपको 1 से 2 सेकेंड तक रहना देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करेंगे, लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। इसके बाद क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जो हमने लोगो डाउनलोड किया था उस लोगो को क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, सिंपल इसे फिर से हमें कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन करेंगे, फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिंग का, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्पिन CCW, सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करेंगे, इस इमेज को कुछ इस तरह से हल्का छोटा कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एडजस्ट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमेज का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से शेप में क्रॉप कर देना है और कुछ इस तरह से सेंटर में कर देना है। इमेज पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से छोटा कर यहाँ पर एडजस्ट करना है। इन इमेज में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप का, सिंपल सेलेक्ट कर देना है। फाइनल वीडियो प्ले करता हूँ, आपका वीडियो जब प्ले करेंगे तो फाइनल इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो फिलहाल में ट्रेंडिंग में आया है, यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार वीडियो को एडिट किया गया है। यहाँ पर आपको साउंड एडिट करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे दूँगा, उसी वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडियो कर देना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, लास्ट पोजीशन में आना है और जो भी यदि एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है साउंड के अलावा तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सर्जन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।